हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ इसलिए आए हैं अभी क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम लगा हुआ है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ नए नए टॉपिक आपके सामने परोसे जाएं ताकि आप यहाँ से एक नंबर पक्का होकर ही ले जाएं। तो 10 मिनट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, समाधि स्थल है। ये क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है। ये क्या है आपके? ये समाधि स्थल है, जो महापुरुषों के समाधि स्थल हुआ करते हैं वही समाधि स्थल है। तो हम लोग इनको एकदम रॉकेट की तरह पढ़ेंगे 10 मिनट के अंदर। बस जल्दी से, आप इतने भी हैं, बस इतने में ही एक फंस जाएगा क्योंकि और है ही नहीं, इतने ही है। तो इतने में एक फंसने के लिए कितने, 10 मिनट आप एक प्रश्न या एक नंबर के लिए आप 10 मिनट दे सकते हैं। चलिए कुछ चीजें ट्रिक के साथ बताएंगे। जैसे है कि राजघाट, राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। तो कैसे याद करेंगे? हमारे देश में शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज राज जमाए हुए थे, तो कौन? तो महात्मा गांधी उन्हें भगा के बाहर किए, तो किसका राज फिर चला? महात्मा गांधी का। तो राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। शांतिवन, शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। आप जवाहरलाल नेहरू का कहीं उग्रवादियों में नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। विजय घाट, विजय घाट कौन करेगा? विजय कौन प्राप्त करेगा? जो बहुत ज्यादा बहादुर होगा। लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका है? जैसे अभी एक अभियान भी चल रहा है नारी शक्तिकरण, ठीक है। तो शक्ति स्थल, शक्ति से पता चल रहा है इंदिरा गांधी जी, ये इतनी शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी जी की, इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दी। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? आयरन लेडी भी बोला जाता है इन्हीं को, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। किसका है? मोरारजी देसाई का अभय घाट। तो अभय घाट कैसे, किसी भी बच्चे को गांव में जैसे मोर देखता है ना, बड़े बड़े मोर, तो उसे क्या भय लग जाता है, ठीक है। भय लग जाने के कारण उसे कैसे याद करेंगे? भय लग गया तो भय, अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो एक और ट्रिक है, मेरा मोरा को पढ़े मेरा, राजी को पढ़े राज, मेरा राज। जहाँ मेरा राज चलेगा वहाँ कोई अभय नहीं होगा, मतलब भय, कोई भय नहीं होगा, अभय। जहाँ मेरा राज चलेगा वहाँ भय का मतलब भय, और अभय का मतलब कोई भय नहीं, ठीक है। ऐसी ट्रिक बनाना है आपको ताकि पेपर तक बस काम हो जाए, फिर उसके बाद भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का। किसान घाट, अगर आपको कहीं भी किसान दिखे तो आपको उसके क्या करने चाहिए? चरण छूने चाहिए। अन्नदाता है वो हमारे देश का या हमारे हिंदुस्तान का, तो चौधरी चरण सिंह, जहाँ भी किसान घाट आए वहाँ पर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्होंने किसान के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए इन्हें किसान घाट, समाधि इनकी समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। उदय भूमि का मतलब क्या होता है? के आर नारायण। आप जैसे पिक्चर टीवी सीरियल में देखे, नारायण जी आते हैं, कहाँ से उदय हो जाते हैं, कहाँ से अस्त हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो नारायण से याद रखेंगे उदय भूमि। के आर नारायण की किनकी है? उदय भूमि किसकी है? के आर नारायण जी की है, ठीक है। आपको बस पेपर तक याद रखना है। वीरभूम किसकी? आपके राजीव गांधी। ये इतने वीर थे कि इनके प्रति षड्यंत्र रचने लगा, कि लोग इनके प्रति षड्यंत्र रचे कि इनको मारा कैसे जाए। अब समझिए आप, ये इतने वीर थे कि इनके लिए क्या रचा गया? षड्यंत्र रचा गया कि इन्हें मारा कैसे जाए, ठीक है। तो क्या कहा गया इन्हें? वीरभूमि। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल वीरभूमि। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण घाट को शिव प्रयाण लिख लें, और शिव प्रयाण या शिव प्रमाण जब भी होता है तो वहाँ क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। या आप यहाँ से प्रयाण से प्रसाद याद कर सकते हैं, ठीक है। महाप्रयाण घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक यही घाट ऐसा है जो थोड़ा सा कठिन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। चलिए अगला देखते हैं, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। किसका है? नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है। किनका है? गुलजारी लाल नंदा। तो याद कैसे करेंगे गुलजारी लाल नंदा का कि नारायण घाट है, क्योंकि नारायण यहाँ भी एक बार आ चुके हैं। उदय भूम किसकी है? के आर नारायण जी की है। अब गुलजारी लाल नंदा, देखो यहाँ पर नंदा है ना, यहाँ पर नारायण है। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ नंद जरूर रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एक इसका ट्रिक और है कि नारायण आप जब नारायण जी की फोटो देखेंगे ना, तो वो एक हाथ में क्या लिए रहते हैं? गुलाब लिए रहते हैं, ठीक है। तो नारायण एक हाथ में क्या लिए रहते हैं? गुलाब। तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है।
समता स्थल, समता स्थल किसकी है? जगजीवन राम की। किसकी है? जगजीवन राम। समता स्थल समाज किसकी है? जगजीवन राम जी की है। तो याद कैसे करेंगे इनको? समता को पढ़े सीता, समता को पढ़े सीता और राम, जगजीवन राम, सीता से राम, सीता से राम, ठीक है। समता स्थल से क्या पढ़ेंगे? जगजीवन राम पढ़ेंगे, ठीक है। समता, या एक और है जैसे समता को पढ़े क्षमता। अब आजकल तो इतना करप्शन चलने लगा है, चाहे पेपर हो चाहे जैसे हो चाहे जहाँ हो, तो अपना जीवन कैसे, जग जीवन कैसे बिताया जाए, ठीक है। हमारे अंदर तो क्षमता नहीं बची है जीवन जीने के लिए, ठीक है। ऐसे तो जग जीवन राम, समता को पढ़े क्षमता, या इसको सीता पढ़े, समता को पढ़े सीता, ऐसे इसमें सी होता है ही, माँ घटाना है तो सीता, तो सीता को जगजीवन राम। दोनों ट्रिक एकदम आप याद कर सकते हैं। चैत्र भूमि या चैत्रा भूमि किसकी है? अभी चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में क्या होती है? चैत्र भूमि किसकी? अंबेडकर जी की। तो अंबे जी की क्या होती? पूजा होती है। तो बी आर अंबेडकर जी, चैत्रा भूमि किसकी है? बी आर अंबेडकर जी। कैसे याद करेंगे? अभी चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं वर्तमान में, और क्या हुआ, अब तो नवरात्र खत्म हो गए, दशहरा भी हो चुका आपका, तो चैत्र के जो नवरात्र होते हैं उसमें अंबे जी की क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। तो चैत्र भूमि समाधि स्थल किसके? बी आर अम्बेडकर जी की है, ठीक है ना। एकता स्थल, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? समाधि स्थल तो ज्ञानी जैल सिंह। तो जेल में जितने कैदी लोग होते हैं ना, उनके अंदर क्या रहती, एकता रहती है। जैसे आप अंग्रेज के जौन लोग ज्यादातर जब जेल में बंद थे तो वहीं पर आप एकता करते थे और वहीं विचार विमर्श करते थे कि आने वाले समय पे हम लोग कैसे क्या कदम उठाएं, ठीक है। एकता स्थल किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह के, ठीक है। कर्म भूमि कहते हैं, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्म तो करो, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा। कर्म भी करो और अपने अंदर दयालु भी, दया भाव भी रखो, तो शंकर दयाल शर्मा की है। किसकी है? शंकर दयाल शर्मा की है। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको तो याद कराने की जरूरत ही नहीं, सदैव अटल है वो, ठीक है। सुशासन दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को, सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से एक बार रिकॉल करेंगे आप लोग, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, उदयभूम के आर नारायण, वीरभूम राजीव गांधी, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूम बी आर अम्बेडकर जी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, कर्म भूम शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इनको आप दो बार पाँच पाँच सात 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 आठ मिनट का वीडियो होगा, दो बार आप इन्हें देख डालेंगे, सब आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से एक नंबर आपके पेट में आना तय है, एक आपका स्थल जरूर पूछा जाएगा। जो चीज़ सब लोग पढ़ा रहे हैं वो मैं नहीं बता रही, जो कोई नहीं बता रहा वो मैं लेकर आ रही हूँ, ताकि आपका कोई भी सिलेबस छूट ना पाए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इन्हें एक बार देख लेंगे, जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए किसान घाट, तो आप बताएंगे क्या? चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। जैसे आपसे पूछी जाए कि उदय घाट किसका है, तो आप क्या बताएंगे? के आर नारायण। नारायण कहीं से भी उदय होते हैं, कहीं पर अस्त होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछी जाए वीरभूमि किसकी? राजीव गांधी जी की है। वे इतने वीर थे कि उनके प्रति मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया, ठीक है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ऐसे समता स्थल जगजीवन राम, ठीक है। नारायण घाट आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अभय घाट मोरारजी देसाई, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। विजय वो इतने, जो विजय होगा वो क्या होगा? बहुत बहादुर होगा, ठीक है। तो विजय घाट किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी का, कितने शांत थे, ठीक है। एक गुलाब भी अपनी जेब में हमेशा रखते थे, तो देखिए शांत थे तभी। वीरभूम राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैत्राभूम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। समता स्थल आपके जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। जेल के अंदर क्या करेंगे हम लोग? एकता बनाते हैं। कर्मभूम शंकर दयाल और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपका एक टॉपिक कम से कम एक नंबर दे के जाएगा, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और यहाँ से एक नंबर आपका श्योर एकदम पक्का है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ग्रुप में डालें, जो भी हो जल्दी से आप लोग इसे तैयार करके कमेंट जरूर करें। कैसा लग रहा है आप सबको ये वीडियो? आप सब अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपनों का ध्यान रखें, जल्दी से इसे तैयार कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।